Good morning children, I welcome you all in today's English class. Children, आज के इस वीडियो में हम एक इंग्लिश ग्रामर जो हमारे एग्जाम सिनेरियो होता है सो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम सिनेरियोस में हम आरसीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो हमें आने चाहिए. ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे हम कौन से रूल्स लगाए, बिकॉज एवरीबडी नोज कि हमें सब कुछ नहीं आता. सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पैसेज के क्वेश्चंस करने तो आपकी रीडिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके टेंसेस भी अच्छे होने चाहिए, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. तो इस कंडीशन में क्या करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर क्वेश्चंस हमें आए हैं पैसेजेस के तो उसको कैसे इजीली और बहुत ही जल्दी हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन में कर पाएँ, क्या क्या उसके टेक्निक्स है और क्या क्या हमें फॉलो करनी चाहिए रूल्स जब हम पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम पैसेज. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तीन बच्चे हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं, राइट. बहुत ही अमेज्ड है देखकर, है ना. देखो कितने खुश है पढ़ के. क्यों खुश है? जब हमें कोई भी चीज़ समझ आने लगती है तो कोई भी चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है, है ना. तो हमें जब पैसेज के बारे में बोला जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन दिमाग में आता है. क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन. जो कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया है? कॉम्प्रिहेंड. ये वर्ड आया है कॉम्प्रिहेंड से, कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मीनिंग होता है समझना. तो आप जब समझ जाते हो तो कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है. जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो बच्चे बहुत ही खुश है बिकॉज उन्होंने जो भी रीड किया उनको समझ में आ रहा है, है ना. तो वैसे ही कॉम्प्रिहेंड का मीनिंग आया यहाँ पे समझना. अगर आप कुछ भी समझ जाते हो, लेकिन हमें इंग्लिश ग्रामर में जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया गया, क्यों दिखा गया है ये समझना, समझने का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो एक्चुअली एग्जामिनर आपको आपसे ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को, मतलब आपके आईक्यू लेवल को चेक करना चाहता है कि आप किसी भी चीज़ को इजीली समझ पाते हैं या नहीं. ठीक है, आपके ग्रामर नॉलेज को वहाँ पे चेक नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है कि आपका आईक्यू कितना ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब कितना जल्दी से किसी भी चीज़ को, मान लो कि सबकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद आप कैसे किसी भी क्वेश्चंस को इजीली समझ के उसको सॉल्व कर सकते हो. इसलिए हमारे एग्ज़ाम में ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं. ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ कुछ रूल्स को देखेंगे, कुछ कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि क्या हमें फॉलो करने चाहिए जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पैसेजेस के. इसको मैं थोड़ा रब कर लूँ पहले. हाँ, तो पैसेजेस के क्वेश्चंस में अभी मैंने समझाया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है समझना. तो हम समझ लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चिल्ड्रन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं. सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस बोला गया कि कोई भी पैसेज का जो रीडिंग पार्ट है जहाँ पे आप रीड कर रहे हो तो ईजिली एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे अगर मैं बोलूँ राम ईट्स मैंगो, अगर मैंने बोला राम ईट्स मैंगो, अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ईजिली कि हु ईट्स मैंगो. तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राम. तो ये सिंपल सा सेंटेंस है जो एक आप एग्जांपल के थ्रू ले सकते हो. तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस हुआ किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस, मतलब सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के. तो एक फर्स्ट तो हमारा ये होता है कि सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारा वो होता है हमारे पास, फर्स्ट हो जाता है सिंपल, नेक्स्ट हो जाता है हमारा अपोजिट वर्ड्स, कुछ कुछ ऑपोजिट वर्ड. ऑपोजिट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द, ऑपोजिट वर्ड. जैसे अगर मैं बोलूँ वीक, तो वीक का, एक मिनट, अगर मैं बोलूँ वीक तो इस वीक का ऑपोजिट विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो वीक का विपरीतार्थक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत. वीक का अर्थ होता है कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत. तो
तो वैसे ही आपको समझना है कि कुछ भी अगर सेंटेंस में दिया है, अगर पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में कोई वर्ड दिए गए हैं तो उसके ऑपोजिट वर्ड विपरीतार्थक शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। सिर्फ इतने नहीं, दो हमने डिस्कस कर लिए, सिंपल टाइप क्वेश्चन एंड ऑपोजिट क्वेश्चंस। थर्ड हमारा पार्ट आता है जब पूछा जाता है हमसे टाइटल ऑफ द पैसेज, मतलब शीर्षक, पैसेज का शीर्षक क्या होना चाहिए। पैसेज तो हमें दिए रहते हैं, बहुत सारे पैसेजेस के लाइंस दिए रहते हैं, लेकिन उससे पूछ दिया जाता है कि अच्छा इसका शीर्षक आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको रीड करते हैं, पैसेज को जब हम रीड करते हैं तो उसके सेंट्रल आइडिया को पता करते हैं कि ये जो पैसेज है किस टॉपिक पे बोला जा रहा है या किस टॉपिक पे लिखा हुआ है, इसमें क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब हम पैसेज को कंप्लीट रीड कर लेते हैं तो हमें ईजिली समझ आता है अच्छा ये चैप्टर जो है और ये पैसेज जो है इस टॉपिक के बारे में बात कर रही है। तो वैसे ही हम टाइटल ढूंढते हैं। नेक्स्ट है हमारे चिल्ड्रन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं फोर टाइप्स के जिसमें आपको कुछ फ्रेजेस दे दिए जाते हैं। अभी फ्रेज क्या होता है बच्चों? सो फ्रेज होता है एक सेंटेंस का कोई छोटा सा पार्ट, ठीक है। कोई फ्रेज दे देगा और उसमें पूछेगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये सारे हम क्वेश्चंस देखेंगे जब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम उसको साथ में सॉल्व करेंगे और आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप्स को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि हमें करना क्या है जब हम पैसेज को कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर रहे हैं, तो उस समय हमें करना क्या है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों लिखा रहता है, जब आप पैसेज पढ़ोगे उसमें सबसे हेडिंग में लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली, है ना, रीड द पैसेज केयरफुली। ये आप हेडिंग में देखोगे कि ये लिखा रहता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं। सो आप ये नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं बच्चों, ओके। डोंट गो टू रीड द पैसेज, हम पैसेज पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछे गए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पढ़ लिए होते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उस वो हमारे माइंड में बार बार ट्रिगर करता है। अगर हम पैसेज पढ़े, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्वेश्चंस पढ़ा हु वाज राम, मैंने पूछा यहाँ पे हु वाज राम, राम कौन था, ओके। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन था वो। तो जब हम पैसेज को रीड करेंगे तो हमें ये ध्यान में रहेगा कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन सारे वर्ड्स को हम अंडरलाइन कर सकते हैं इजीली पैसेज में। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन रीड करना चाहिए। क्वेश्चन रीड करने से क्या होता है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं वो हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए कहीं भी, ठीक है, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर उसको माइंड में आप स्टोर करके रखिए। इससे बहुत ही आपको फ़ायदे होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है हमारा, पहले तो हमने क्वेश्चंस को रीड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चैलेंज आता है कि इंग्लिश में पैसेज को कैसे पढ़े, बहुत ही दिक्कत आती है बच्चों को। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे वर्ड्स की मीनिंग पता हो, हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स की विपरीतार्थक शब्द पता हो, तो हमें ज़रूरी नहीं है सारे, लेकिन ये ज़रूरी है कि पैसेज को हम कैसे समझ रहे हैं और पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं हम या नहीं। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, कीवर्ड्स हमें पता है, तो ज़रूरी नहीं हम वोकैबुलरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है उस पैसेज पे कि पैसेज में वो सारे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं। जब हम क्वेश्चंस अभी करेंगे आप लोगों के साथ, ये बहुत ही आपको आसान लगेगा समझने में, और मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चंस को समझने और ईजिली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमने ये कर लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि कोई कीवर्ड्स तो मेरे दिमाग में बैठ गया, नेक्स्ट हमें देखना है कि सीक्वेंस वाइज हमें आंसर्स ढूंढने होते हैं चिल्ड्रन। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जो हमें, तो उसकी जो आंसर्स होंगे वो तो या तो पैराग्राफ 1 या तो पैराग्राफ 2 के लाइन्स में हमें मिल जाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चंस के आंसर दिए रहते हैं पैसेजेस में, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चले तो आपको बहुत ही आसानी होगी आंसर्स ढूंढने में।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम पैसेज सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन, उससे पहले हमें कुछ ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पैसेज को समझना, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि इसका अर्थ ही होता है समझना, तो समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें टेंसेस, जो टेंसेस है वो हमें आनी चाहिए, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में लिखा है, भूतकाल में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है, या फिर फ्यूचर में होने वाली कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो स्टेप है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपको क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उसमें अगर ऑपोजिट वर्ड्स पूछे जाए आपसे, आपसे ऑपोजिट वर्ड्स पूछे जाए या फिर टाइटल पूछा जाए, तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन दो क्वेश्चंस को आप साइड में कर दो और इसको सबसे एंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। कैसे? क्योंकि ज़रूरी नहीं, अगर आपको ऑपोजिट वर्ड्स की मीनिंग आती है तो आप इजीली कर पाओगे, अगर टाइटल आपको समझ में आ गया तो आप कर पाओगे बहुत जल्दी, लेकिन अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आती है इसमें, सो डोंट गो फॉर दिस एट द फर्स्ट, आपको पहले नहीं जाना है इन सारे क्वेश्चंस पे, पहले आपको वो सारे सिंपल क्वेश्चंस और जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर्स ढूंढने, और ऑपोजिट और टाइटल जब आप पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा कि हमने ये क्वेश्चंस का वर्ड कहीं देखा है, ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स का मीनिंग मैंने कहीं देखा है पैसेज में। और जब आप टाइटल के लिए बार बार पैसेज को रीड करते हो आंसर्स ढूंढने के लिए, तो आपको टाइटल भी पता चल जाता है इजीली। इसलिए हम मैं बोलती हूँ कि आप टाइटल्स के और ऑपोजिट वर्ड्स के क्वेश्चंस आप एंड में सॉल्व करो, इससे आपको जल्दी क्वेश्चंस बनने की चांसेस है। अब इसी के साथ हम लोग अपना एक एग्जाम्पल के साथ पैसेज स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, और ये जो पैसेज है जो मैं यहाँ डील करने जा रही हूँ अभी, वो आपके प्रीवियस ईयर के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही है हमें और क्या हम इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और मैं चाहती हूँ आप लोग सभी खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या रीड करना है, पैसेज नहीं रीड करने, सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, अपने आईक्यू को यूज़ करना है, और हमें सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम पैसेज पे चलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट, कितने तरह के फिश के बारे में लोगों को पता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम, कोई भी फिश जो सबसे फास्टेस्ट फिश है वो कितनी तेज़ी से तैर सकता है, कितनी तेज़ी से, कैन का अर्थ है सकना, ठीक है, फास्टेस्ट का मतलब सबसे तेज़ और स्विम का मतलब तैरना। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट फिश, सबसे लार्जेस्ट फिश कौन सा है, सबसे बड़ा फिश कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन फिश फील, फिश क्या महसूस करते हैं। तो यानी हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, अगर हम क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं पहले से और तब हम रीड करने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो हमें ये ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं आंसर्स कैसे बच्चों। जैसे यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश, तो काइंड्स ऑफ फिश हमें यहाँ पे ढूंढना है। सेकेंड है हमारा, हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम, ओके। थर्ड है हमारा लार्जेस्ट फिश। सो ये सारे हमारे की पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है चिल्ड्रन, तो आप इसी तरीके से अपने कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं सेंटेंसेस से जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, और उसके बाद आप आंसर्स ढूंढ सकते हो अपने पैसेज से। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट कैन फिश फील, फिश क्या फील करते हैं, मतलब फील हमें दूसरा वर्ड मिला यहाँ पर, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने पैसेज पे, उसको रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या हम एबल है इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने में। सो ऑल यू आर रेडी हियर, साथ में चलते हैं और हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ हमारा पैसेज, चिल्ड्रन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब हमें पैसेज को केयरफुली रीड करना है और देखना है हमें
कि जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। सो फर्स्ट ये स्टार्ट होता है, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश। अभी हमने क्वेश्चंस पढ़ा था, काइंड्स कुछ पूछा जा रहा था, है ना। सो काइंड्स ऑफ फिश, सो दे आर बिग फिश, स्मॉल फिश, लॉन्ग फिश एंड शॉर्ट फिश। सो यहाँ बताया गया कुछ बड़े भी फिश होते हैं, छोटे फिश होते हैं, लॉन्ग फिश होते हैं और छोटे फिश होते हैं। देर आर प्रोबेबली 15,000 काइंड्स ऑफ फिश दैट पीपल नो अबाउट। इफ यू हैव नोटेड इट डाउन, जो आपने नोट कर लिया होगा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कितने तरह के फिश के बारे में लोगों को पता है, तो आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे, तो आपको इमीडिएट उसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा, देर आर मेनी कलर्स ऑफ फिश। फिश के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंगों के फिश होते हैं। यहाँ पर रेड, ब्लू, येलो, वाइट, मतलब रेड हो, लाल हो, ब्लू हो, येलो हो, वाइट हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फिश होते हैं, जो आपने भी देखा होगा। ऑल फिश डू नॉट ईट द सेम थिंग, जितने भी फिश होते हैं वो सभी सेम तरह के खाने नहीं खाते हैं। हम लोग वी इंडियंस ऑल्सो, हम लोग सभी जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोगों की जो हैबिट्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इन द सेम वे जितने भी एनिमल्स होते हैं, स्पीशीज होते हैं, सबके सेम खाने की हैबिट नहीं होती है। तो जितने भी फिश है इसमें भी वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनके खाने की आदतें हैं, मतलब सभी सेम तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। कुछ कुछ बग्स खाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ दूसरे फिश को खाते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते आगे। सम फिश ईट फ्लाइज और अदर बग्स। सो जैसे कि मैंने बताया, कुछ फिश क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, फ्लाइज खाते हैं, बग्स खाते हैं। सम ईट प्लांट्स एंड सीवीड, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। सीवीड क्या है, एक तरह का प्लांट है जो फिश खाया करते हैं। सम फिश ईट अदर फिश, कुछ ऐसे भी फिश होते हैं जो अपने से छोटे फिश को खा लेते हैं, ठीक है। द फास्टेस्ट, जस्ट वेट चिल्ड्रन, यस, द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 miles per hour। कुछ हमने ऐसे भी सेंटेंस पढ़े थे जिसमें फास्टेस्ट का वर्ड पूछा गया था, है ना। सो द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम 70 miles per hour, द मतलब वो 70 miles एक घंटे के अंदर स्विम कर सकते हैं, जो फास्टेस्ट फिश होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क। सो जो सबसे लॉन्गेस्ट फिश है वो कौन है, शार्क है। तो हमने लॉन्गेस्ट भी वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो हमें देखो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, और ये हमने बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया। फिश कैन सी, फील एंड टेस्ट। तो हमने क्या पढ़ा, फिश क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्वाद का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। दे कैन फील पेन टू। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वो क्या फील करते हैं, तो हमने पढ़ा यहाँ पे वो पेन फील करते हैं, दर्द महसूस होता है उन्हें जब हम उन्हें काटते हैं, जब हम उन्हें कुछ भी तकलीफ देते हैं, वो उन्हें पता चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग द सेंटेंस, जब भी आप सेंटेंस को रीड कर रहे हो, पैसेज को रीड कर रहे हो, तो जितने भी आपने कीवर्ड्स लिखे हैं अपने साथ एक पेंसिल रखो और उसको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। जब हम अंडरलाइन करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो हम समझ पाते हैं कि उस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, और वो हमें ट्रिगर करता है जब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो हम वापस जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस फिर से ओपन किया। सो क्वेश्चन पढ़ा हमने फिर से यहाँ पे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट। तो हमने क्वेश्चंस का आंसर में क्या पढ़ा था, यहाँ पे आंसर में पढ़ा था, देर आर प्रोबेबली 15,000 काइंड्स ऑफ फिश दैट पीपल नो अबाउट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने सबने आंसर ढूंढ लिया होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम। कितनी तेज से और कितनी कितने फास्ट, कोई फास्टेस्ट जो फिश है कितना फास्ट स्विम कर सकता है। यहाँ पे आंसर है, द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 miles per hour, यानी एक घंटे में वो 70 miles का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकता है, इतनी दूरी वो चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बच्चों,
हम क्वेश्चन के ऊपर फिर से जाते हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट फिश? सो लार्जेस्ट फिश क्या था? शार्क इज द लार्जेस्ट फिश. एंड वॉट कैन फिश फील? फिश क्या फील करते हैं? तो फिश पेन फील करते हैं, वो देख सकते हैं, वो टच कर सकते हैं, वो महसूस करते हैं. लेकिन हमें यहाँ ढूंढना था वॉट कैन फिश फील. तो फील क्या करते हैं? वो दर्द महसूस करते हैं. तो फिश कैन फील पेन, उन्हें पेन महसूस होता है, वो महसूस कर सकते हैं कि उन्हें पेन हो रही है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. और मुझे पूरा यकीन है आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आप समझ चुके हो कि हम कैसे आखिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो हम इसी के साथ एक और वीडियो, एक और हमारा पैसेज है जो हम अभी के अभी सॉल्व करेंगे और देखेंगे उस पैसेज में क्या क्वेश्चन है और उसके बेसिस पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या हम उसमें टेक्निक लगा सकते हैं जिसके वजह से हमें क्वेश्चन ईजिली समझ में आए और हम उसको ईजिली बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाए. तो चलिए हम नेक्स्ट अपने पैसेज पे जाते हैं. जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस रीड करने हैं. तो इन द सेम वे पहले हमने क्या लिखा है, क्वेश्चंस लिखा है यहाँ पे. सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द टीचर ऑन गांधी जी. मतलब गांधी जी के ऊपर टीचर का मतलब अध्यापक का क्या प्रभाव था. इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव. सो उसका क्या प्रभाव था. ज़रूरी नहीं है कि हमें इफेक्ट का मीनिंग आए. मान लो अगर आपको इफेक्ट की मीनिंग आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी कोई वर्ड हो जिसकी मीनिंग ना आए, वोकैबुलरी ना आए, इसके बावजूद भी आप वहाँ पे आंसर्स ढूंढ पाओ क्योंकि इफेक्ट का वहाँ आपसे वर्ड मीनिंग नहीं पूछा गया बच्चों. ओके, वहाँ पे इफेक्ट का मतलब भी इफेक्ट ही लिखा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, व्हाट टास्क वाज सेट बाय मिस्टर गिल्स टू द स्टूडेंट्स. मतलब क्या टास्क सेट किया गया था मिस्टर गिल्स के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर डू. टीचर ने क्या किया. डिड का अर्थ है ये सेंटेंस किस में लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा है, इसलिए हमें इसे ऐसे ही रीड करना है. हु वाज मिस्टर गिल्स. अब ये मिस्टर गिल्स थे कौन. तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो दिमाग में रहने चाहिए, जैसे कि इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा टीचर का गांधी जी के ऊपर. उसके बाद हमने नेक्स्ट की पॉइंट ढूंढा यहाँ पे, टास्क, क्या टास्क सेट किया गया था. थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टीचर डू. टीचर ने क्या किया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर गिल्स. सो मिस्टर गिल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. तो हम जब रीड करेंगे क्वेश्चन तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये सारे क्वेश्चन हमें ढूंढने थे. तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज पे चिल्ड्रन. जैसे कि आप इसको रीड कर पाएंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सेम है यहाँ पे, चलिए हम पढ़ते हैं इसको. देयर वाज एन इंसिडेंट व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग गांधी जीज फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल. मतलब एक इंसिडेंट के बारे में, एक ऐसा क्षण है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है जो गांधी जी से रिलेट करता है. ठीक है, जब गांधी जी फर्स्ट ईयर में थे अपने स्कूल में, अपने हाई स्कूल में, मतलब क्लास 11th में थे, तब की बात है ये. तो पढ़ते हैं हम क्या है. मिस्टर गिल्स द इंस्पेक्टर हैड कम टू विजिट. हमने पढ़ा था हु वॉज मिस्टर गिल्स, हमें यहाँ पर पता चल चुका है. यहाँ पर मिस्टर गिल्स द इंस्पेक्टर, तो आपको ये अंडरलाइन करके रख लेने हैं आंसर्स. नेक्स्ट हमें रीड करना है, ही सेट अप 5 वर्ड्स एज स्पेलिंग एक्सरसाइजेस. उन्होंने क्या किया, सेटअप किया 5 वर्ड्स का उन्होंने सेट किया और स्पेलिंग एक्सरसाइज के लिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तो उसका सही प्रोनंसिएशन और कैसे उसको वर्ड्स को लिखना है ये सारे प्रैक्टिस करेंगे बच्चे. इसके लिए उन्होंने एक सेटअप किया था 5 वर्ड्स का. नेक्स्ट है हमारे पास, वन ऑफ दीज वर्ड्स वर कैटल. उसमें से एक वर्ड क्या था, कैटल था. ठीक है, गांधी जी मिस स्पेल्ट इट. मतलब गांधी जी ने इस वर्ड को गलत बोला. मिस स्पेल्ट का मतलब गलत, गलती से कुछ और बोला. सो ये जो वर्ड था कैटल, वो गांधी जी ने गलत बोला. द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट गांधी जी बट ही वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड. मतलब वो चाहते थे कि गांधी जी तुरंत रिएक्ट करें उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया.
ही वुड नॉट कॉपी द स्पेलिंग, उन्होंने कॉपी नहीं किया, गांधी जी ने उस वर्ड को कॉपी नहीं किया. द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज स्पेल्ट इट करेक्टली एक्सेप्ट गांधी जी. अब क्योंकि उन्होंने प्रॉम्प्टली आंसर नहीं दिया, मतलब इमीडिएट उन्होंने कैच नहीं किया टीचर के वर्ड्स को, उन्होंने क्या बोला, और उन्होंने इसकी इसका रिजल्ट ये हुआ कि सारे बच्चे जो क्लास में थे सभी ने सही स्पेल्ट किया, इसको सही बोला, एक्सेप्ट गांधी जी, गांधी जी को छोड़कर. एक्सेप्ट का मतलब उनको छोड़कर, बाकी सब ने सही आंसर दिया. ही नेवर लर्न टू आर्ट ऑफ कॉपिंग, क्यों नहीं किया उन्होंने, उन्होंने आखिर क्यों नहीं बाकी बच्चों की तरह स्पेलिंग को स्पेल्ट किया. सो द आंसर इज बिकॉज उन्होंने कभी ये आर्ट नहीं सीखा था किसी को कॉपी करने का. सो उनके अंदर ये कला नहीं थी कि वो दूसरे को कॉपी करके बोले. सो उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा. सो ये हमारा पैसेज था जिसको हमने अभी रीड किया. अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे और देखेंगे कि क्वेश्चंस हमारा क्या पूछ रहा था. सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ गांधी ऑफ द टीचर ऑन गांधी जी, टीचर के का गांधी जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, नथिंग, क्योंकि उन्होंने उनको प्रॉम्प्ट ही नहीं किया. ठीक है, गांधी जी की बात को उन्होंने गांधी जी ने उनकी बात को सुना ही नहीं, उन्होंने जो बोला उसको उन्होंने फॉलो ही नहीं किया, तो उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. सो यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं, ही वुड नॉट कॉपी द स्पेलिंग, द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट गांधी जी बट ही वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन उन्होंने कुछ भी उसका आंसर नहीं दिया, मतलब उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया. तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द टीचर ऑन गांधी जी. सो देर वॉज नो इफेक्ट ऑफ द टीचर ऑन गांधी जी, ही डिड नॉट प्रॉम्प्टेड वॉट द टीचर हैज सेट, जो टीचर ने बोला उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया. वॉट टास्क वॉज सेट बाई मिस्टर गिल्स टू द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या सेटअप किया था, उन्होंने सेटअप किया था फाइव वर्ड्स फाइव स्पेलिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, है ना. तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ही सेटअप फाइव वर्ड्स एज स्पेलिंग एक्सरसाइज, उन्होंने क्या सेटअप किया था, सो ही सेटअप फाइव वर्ड्स एज स्पेलिंग एक्सरसाइज, स्पेलिंग एक्सरसाइज के लिए उन्होंने फाइव वर्ड्स को सेटअप किया था, लिखा था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द टीचर डू, टीचर ने क्या किया. सो द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट गांधी जी बट ही वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टीचर ने कोशिश की थी गांधी जी का ध्यान आकर्षित करके और उनको सही कराने के लिए, लेकिन गांधी जी ने इसको कुछ भी सीरियसली नहीं लिया. ठीक है, उन्होंने वही फॉलो किया जो उनको आता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज मिस्टर गिल्स, सो ये तो आपको आंसर आता होगा, मिस्टर गिल्स वॉज एन इंस्पेक्टर. I hope you all have understood, children. So we'll move ahead, and this is the end of this video. I hope you all have understood, and I would like to give you such kind of video in the next class as well. So keep studying, try to solve or as much as passages as you can. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा passages पढ़िए, उसको solve करने की कोशिश करिए. सो मैं अच्छे से रिव्यू सुनना चाहती हूँ कि आपको समझ में आया ये पैसेज रीडिंग और नॉट, आपको आया नहीं, और आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो सेंटेंसेस को. थैंक यू चिल्ड्रन.